आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन अफराद में बच्चे और ख्वातीन की तादाद शामिल है, जबकि धमाके में तालिबान महाफज भी जख्मी हुए हैं। अमरीकी महकमा दफा पेंटागन के तर्जमान जान किर्बी ने भी धमाके की तस्दीक कर दिया। उन्होंने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है, ताहम इन्होंने धमाके में किसी जानी नुकसान के हवाले से फौरी इतला न होने का बताया। अभी दूसरे मीडिया हाउसेज से ये इतलात मौसूल हो रही है कि धमाके में 13 अफराद हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हैं। याद रहे पिछले ही दिनों में दाइश ने भी धमकी दी थी कि वो काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाके कर सकते हैं, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दाइश ने यह धमाका किया है। अभी इस हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो हम अपने YouTube चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।